वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इन स्टैंड ऑबस्ट्रक्शन स्ट्रेंगुलेशन के क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए थे और स्ट्रेंगुलेशन होता क्या है कि वो जब ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उस एरिया का वो गैंग्रीनस हो जाएगा तो फिर जो है ना वो वाला एरिया जो है उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को पेन होगी तो दिस इज़ नॉन एज द स्ट्रेंगुलेशन सो नेक्स्ट इज़ डायग्नोजिस हम कैसे करेंगे देखें सबसे पहले जनरल इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिसमें हम सी बी सी एस आर सीर एक्टिव प्रोटीन्स करवा लेते हैं और उसके बाद जो है हम क्या करवाएंगे एल करवा लेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिया करेटेन करवा लेंगे मलेज लेवल चेक कर लेंगे ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे और फिर हम एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स करवाएंगे शुरू में आप ये सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जनरल लिख लोगे और फिर हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की तरफ जाएंगे तो जिसमें हम क्या करवाएंगे एक्सरे करवाएंगे करवाएँगे का सुपाइन पोस्चर में देखिए इरेक्ट एक्सरेक्सरेज हम लेते हैं ना तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा अगर प्रोफोरेशन हुई होगी तो उस केस में आपको गैस एंड डायफ्राम मिल सकती है ना लेकिन जब आपने देखना होता है ना ऑर्गेंस को तो फिर आपको सुपाइन एक्सरे ज़्यादा अच्छा होता है सो so, कहते हैं कि पहले हम स्पाइन और रेक्ट एक्स रेज जो है वो यूज़ करते थे लेकिन अब हम सुपाइन एक्स रेज ही यूज़ करते हैं सिर्फ उसमें हमें जो है वो क्या मिलता है कि जो बाउ लूप्स होती हैं वो हमें डायलेटेड मिल सकती हैं मिलेंगी ना तो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये भी पता मतलब जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी उससे अप्रॉक्सिमेटी सारी लूप्स डायलेटेड हो जाएंगी तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये वाली साइट है ऑब्स्ट्रक्शन की इससे पहले पहले डायलेट डायलेटेड है तो ये वाली ऑब्स्ट्रक्शन की साइट है तो डायलेटेड लूप्स ऑफ एलियम जो है वो सेंट्रली हमें नज़र आती हैं और ये या आपने याद रखना है वो करैक्टरलेस होती है या कुछ सर्ज करैक्टरलेस को जो है ना पसंद नहीं करते वर्ड को वो कहते हैं कि फीचरलेस कहते हैं तो ईलियम की जो लूप्स हैं ना वो अगर हमें डायलेटेड मिलती हैं तो दीज आर करैक्टरलेस ठीक है मतलब करैक्टरलेस मतलब इस सेंस में कि हमें ना कुछ पता नहीं चलता कि कैसे मतलब उसका कोई करैक्टर नहीं होगा डायलेटेड तो हमें मिलेंगी लेकिन उनका कोई करैक्टर नहीं मिलेगा कि यार ये इलियम की ही रूप्स है तो करैक्टरलेस फिर जजनम की अगर हम बात करें ना तो उसमें हमें मिलती है वेलबुल कॉन्ट कॉनीवेंटिस कॉन्वेंटीज ठीक है वेलबुली वेलबुली कॉनीवेंटिस ये हमें मिलती हैं जो कि विच पास अक्रॉस द वर्थ ऑफ बाउल स्पेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स ठीक है अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ ना ये हमारी जजनम है तो इसमें इस तरह की हमें जो है ना मिलेंगी ठीक है ये है ना डायरेटेड तो इस तरह ठीक है तो ये जो है ना जजनम की करेक्टरिस्टिक होती है कि ये जजनम की डायरेटेड लूप्स है लेकिन अगर हम बात करेंगे लार्ज बाउल की तो उसमें ना हमें हॉस्ट्रेशन्स मिलती हैं और इरेगुलरली स्पेस्ड होती है पूरे डायमीटर को क्रॉस नहीं करती मतलब तो ये है ना तो ऐसे ऐसे होंगी पूरी डायमीटर को क्रॉस नहीं करेंगी और ऐसे होंगी दीज आर द होस्ट्रेशन्स जो कि हमें मिलती हैं लार्ज बाउल में तो याद रखना है ईलियम की क्या है करेक्टरलेस है, है। जजनम की क्या है बुलबुली कन्वीनटीज़ हैं जो कि कॉनिवेंटीज़ हैं जो कि आपको पूरी पूरी वेथ में मिलती हैं और लार्ज बाउल की जो है हॉस्ट्रेशन हैं जो कि स्पेस्ट इरेगुलरली होती हैं और पूरे डायमीटर को क्रॉस नहीं करती देन आता है सी टी ठीक है अब जो है वो सी टी का सी टी हम करवाएंगे उससे पहले हमने एक्सरे करवाया अब हम सी टी करवाते हैं सी टी जो है ये सिंपल एक्सरे से ज़्यादा अच्छा है ये हमें बता देता है कि लेवल ऑफ स्ट्रक्शन क्या है डिग्री कितनी है कॉज क्या है वॉल्स की वजह से है हर्निया की वजह से है ल्यूमिनल कॉजेज है या म्यूरल काजेज़ है ये हमें बताएगा कि डिग्री ऑफ स्कीमिया कितना है फ्री फ्लोइड या गैस है वो अगर प्रेजेंट है तो वो हमें भी बता देगा नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट सबसे पहले हमारा क्या होता है स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में हम कर चुके हैं पेशेंट को रीससीटेट करेंगे सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग उसकी सारी मेंटेन करेंगे उसको नेजोगेस्ट्रिक्स एस्पिरेशन करेंगे जितना भी उसका एबडामनल कॉन्टेंट होगा उसको बाहर निकालेंगे और फिर हम फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की रिप्लेसमेंट करेंगे उसको कैथेटराइज करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन उसका इनपुट आउटपुट मॉनिटर करेंगे उसको एंटीबायोटिक्स देंगे उसको जो एनलजीजियाँ देंगे उसकी जो भी मेटाबॉलिक एब्नॉमालिटीज़ होंगी उसको हम करेक्ट करेंगे उसका जो भी कॉज होगा उसको हम ठीक करेंगे कॉज जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जितने भी हमने देखे हैं उनमें से जो आपको कॉज मिलता है आपने उसका ट्रीटमेंट करना है ठीक है तो अब जो है ना आ, वो कहते हैं अब सर्जरी आपने करनी है कि के उस केस में जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रैंगुलेशन है या एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है इस केस में आपसे सर्जरी करनी है सबसे पहले आप क्या करोगे आप डोमिन को मिड लाइन एन सी एन के थ्रू ओपन करोगे सारी गट को आप एग्जामिन करोगे और देखोगे कि ऑब्स्ट्रक्शन की साइट क्या है नेचर क्या है ऑब्स्ट्रक्शन की और गट की वायबिलिटी कितनी है वायबिलिटी ऑफ गट का आपको कैसे पता चलता है कि गट वायबल है या नहीं मतलब कि गैंग्रीनस हो गई हुई है या नहीं हुई हुई अभी ठीक है उसका ब्लड सप्लाई ठीक है तो हमें कैसे पता चलेगा जो वायबल होगा ना वायबल मतलब ज़िंदा अभी ज़िंदा है गर्ट हमारी इसका हम हम ये कह सकते हैं वो बहुत शाइनी सी फॉर्म सी होगी उसमें पेरिस्टाइल्सिस जो है हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पेरिस्टाइल्सिस हो रही है उसका कलर जो है वो लाइट सा होगा और इसके अलावा मतलब पिंकिश पिंकिश सा होगा फिर अगर हम उसके ऊपर कोई भी प्रिक्ट प्रिक्ट करते हैं ना किसी भी नीडल से तो उसके अंदर से ब्लड निकलता है इसका मतलब ये जिंदा है ठीक है और अगर अगर उसके अंदर से उसका कलर जो है बिल्कुल डार्क सा हो गया है और उसके अंदर पेरिसलसिस लॉस हो गई है और बिल्कुल डल लस्ट, लस्टरल्स सी हमें नज़र आ रही है और बहुत ही फ्लैबी सी थिन सी फ्राइबल सी है मतलब इस तरह की अगर आपको गट नज़र आ रही है ना और अगर हमने उसको प्रिक किया और उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही इसका मतलब कि वो गट जो है वो नॉन वाइबल है मतलब मर चुकी है तो आपने जो है ना ये तीन चीज़ें देखनी होती हैं साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जब आपने मिडलाइन इन से अब को खोला तो आपने ये तीन चीज़ें देखनी है साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है नेचर ऑफ ऑब्सट्रक्शन क्या है और ऑफ गट कैसे है कैसे करते हैं चेक वो मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके बाद ना हम देखते हैं सीकम को ठीक है अगर तो हमारी जो है ना सीकम को लैप्स हो गई है ना इसका मतलब कि स्मॉल बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैसे मैंने आपको बताया कि सीकम जो है वो स्मॉल बाउल के बाद आती है ना अगर स्मॉल बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन होगी ऑब्वियसली सीकम जो है वो क्या हो जाएगी डिजिटल टू ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कोलैप्स ठीक है तो सीकम हमें कोलैप्स मिलेगी इसी तरह अगर हम सीकम को देखेंगे वो डायलेटेड है इसका मतलब कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था डायलेटेड होती है तो सीकम अगर डायलेटेड है तो इसे हमें पता चल जाएगा लार्ज कट ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है उसके बाद जी हम क्या करते हैं वो जो हमारी डायलेटेड uh, गट होती है उसको हम uh, जो है क्या होगा उसके अंदर जो भी खाना वगैरह पड़ा होगा उसको हम बाहर निकालेंगे निजो गैसिक एस्परेशन करेंगे और जो भी कॉज ऑफ़ ऑब्स्ट्रक्शन होगी डी एनस है तो उसको रिमूव करेंगे वॉल्स है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे और इस तरह से वॉल्स का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ फिर हमने क्या करना है कि जब हमने ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर दिया है तो हमने अब दोबारा से जो है ना गट की वाइबिलिटी चेक करनी है अगर तो हमें गैंग्रीनस गट नजर आ रही है ना काली सया गट है और हमें लग रहा है कि यार ये मर चुकी है तो उसको हमने बाहर निकाल देना है अगर हमें नहीं पता कि वाइबिलिटी ऑफ कट है डाउटफुल है मतलब है कि नहीं तो फिर जो है ना हमने क्या करना है उसको ना दस मिनट के लिए नौ, हॉट नॉर्मल से लाइन के अंदर जो है ना सोक करके रखना है हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन उसको देनी है और दोबारा से हमने उसको असेस करना है कि उसके अंदर कलर के अंदर चेंज आया हो पेरस्टेल्सिस ब्लीडिंग उसकी जो है मतलब ब्लीडिंग हमने ब्रिक किया ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं उसको हमने चेक कर लिया मतलब डी एस एस किया दोबारा से अब हमें जो है वो अब हमने दोबारा से देखा कि ये जो है ना डाउटफुल अवेलेबिलिटी के भी बहुत ज़्यादा एरियाज नज़र आ रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है सेकेंड लुक लुक ले करनी है मतलब कि एक दफ़ा हमने उसको सर्जरी को परफॉर्म कर दिया हमने जो है वो ट्वेंटी फोर टू फोटी एट आवर्स के बाद दोबारा सेकेंड लुक एहले की और उसी तरह हमने जो भी हमें वायबली नॉन वायबल गट मिल रही है उसको हमने रिमूव कर दिया कॉम्प्लीशनस ऑफ़ इंटेस्टल ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है ब्लड लॉस की वजह से फ्लोइड लॉस की वजह से हाइपोवलीमिया शॉक हो सकता है शॉक होगा तो रीनल फेलियर हो सकता है पेरिटोनाइटिस हो सकता है सेप्टीसीमिया हो सकता है आर्ट्स हो सकता है ठीक हो गया ये हमारी सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई देन अब हमने देखना है कि ये तो होता ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कि आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कैसे पता चलेगा कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है आपने उसको कैसे एग्जामिन करना है कैसे आपने रूल आउट करना है कि कॉज क्या है और उसको अपने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है कैसे ट्रीट करना है अब हमने कॉजेस को वन बाई वन देखना है जो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं सबसे पहले आता है कि जैसे हमने कहा पीछे भी कि डेजेंस की वजह से जो है ना सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है मतलब ये कि स्माल बाउल में सिक्सटी टू परसेंट सिक्सटी टू सेवन परसेंट केसेज में जो आउटसाइड द ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना वो एडहियंस की वजह से होती है तो इसमें क्या होता है कि एडहियंस में कि एबनॉर्मल फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज के दरमियान में बोथ बिटवीन ऑर्गेस और टिश्यज और बोथ इन दब डोमिनल कैिटी दैट आर नॉमली सेपरेटेड तो उनके दरमियान में मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना आपको याद हो अगर एंडोमिट्रॉसिस का तो वहाँ पर भी डीएंस हमने देखी थी तो so, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं ऑर्गेन्स और टिशूज़ के दरमियान में या दोनों के दरिया में डामिनल कैिटी में जो कि नॉर्मली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो इसकी वजह से मेजर कॉज है स्मॉल बॉल ऑब्सट्रक्शन का और ज़्यादातर जो इसकी कॉज़ होती है वह डामिनल या पैल्विक सर्जरी होती है ठीक है किसी भी टाइम हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी बिल्कुल उसके साथ ही हो जाएंगे या बाद में लेटर इन लाइफ भी हो सकते हैं मतलब कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि एक से पाँच साल के बाद सर्जरी के बाद बन जाते हैं तो ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो इसमें होती है इसके कॉमन काजेज़ क्या हैं कि अगर इस्कीमिया हो जाए ट्रामा की वजह से या फिर जो है कोई भी वैस्कुलर वेस्कुल किसी भी वजह से या फिर फॉरेन मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ पर उसने वहाँ पे ऑब्सट्रश इडियंस बना सकता है इन्फ्लमेटरी कंडीशन या पैराटोनाइटर्स या टीबी की वजह से बन सकती हैं या रेडिएशन की वजह से बन सकती हैं तो इसकी ये जो एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन है ना इसके बाद हम देखते हैं वॉल्स एडेसिव ऑब्स्ट्रक्शन में बाकी ये क्लिनिकल फीचर्स उसके पेन है डिस्टेंशन वामिटिंग कंस्ट्रक्शन बाउल साउंड शुरू में एक्जैजरेटेड होते हैं बाद में डिमेनिश्ड हो सकते हैं डिमिनिश्ड हो जाते हैं एबसेंट वही सेम सारी इंटर ऑब्स्ट्रक्शन की जो है ना क्लिनिकल फीचर्स हैं ट्रीटमेंट में उनका सबसे पहले आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट करोगे और उसके बाद उसकी सर्जरी कर दोगे मतलब ये कि जो डी बनी हुई है उसकी ओपन सर्जिकल डिनोलाइस कर दोगे या लेप्रोस्कोपी कर डिनोलाइस कर दोगे ठीक है तो ये इसका ट्रीटमेंट है उसके बाद

ठीक है ये जो है ना इस तरह से मतलब ट्विस्ट कर जाएगी इंटेस्टाइन एक दूसरे के मतलब इस तरह से ट्विस्ट कर जाएगी अब ये ट्विस्टिंग जो है ये क्लाक भी हो सकती है मतलब ये कि ऐसे ट्विस्ट हो ठीक है या फिर एंटी क्लाक भी हो सकती है कि इस तरह से हो ठीक है तो जो है ना ट्विस्ट ये दो दो तरह से हो सकती है अब हमें डिफ्रेंस पढ़ना है सीकल वॉल्स का और सिगमॉयल वॉल्वल्स का तो कि सीकल वॉल्वल्स देखें सीकम का वॉल्वल्स है मैंने आपको बताया कि कॉमन साइड्स कौन सी है सिग्मोइड वॉल्वुलस और सीकल वॉल्वुलस तो ज़्यादा कॉमन जो है ना इन दोनों में से वो सिग्मोइड वॉल्वुलस है अब याद रखना है सीकल वॉल्वुलस जो है ये यंग फीमेल्स के अंदर होता है कॉमन ठीक है जबकि जो सिग्मोइड है ना ये किस में होता है ओल्डर पेशेंट्स में कॉमन होता है जो हमारा जो है सीकल वॉल्वुलस उसमें क्या होगा ऑब्वियसली डिस्टल कॉल जो है वो एम्प्टी होगा ठीक है uh, मतलब डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे जो है स्मॉल बाउल्स फ्रीक्वेंटली डिस्टेंडेड होंगी ठीक है और हमें जो अपेयरेंस मिलेगी ना वो स्टैक ऑफ कॉइंस की मिलेगी ठीक है ऐसे लगेगा जैसे स्टैक ऑफ कॉइन्स पड़े हुए हैं जबकि सिगमोइड वॉल्स जो है ना इसमें हमें कॉफ़ी बीन साइन मिलता है ये आप नज़र आ रहा है ये वाला दिस इज कॉफी बीन साइन इन केस ऑफ सिगमोइड वॉल्स ठीक हो गया तो इसके बाद जो है वॉल्स का वो नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ